नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे समझेंगे कि जो ओपन इक्वल टू हाई रहता है, ओपन इक्वल टू लो रहता है, उसको हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट कर सके। हर एक का अलग अलग रहता है। किसी को निफ्टी 50 का चाहिए, निफ्टी फ्यूचर का चाहिए, फिर होता है कि बैंक निफ्टी का स्टॉक चाहिए, या तो निफ्टी के जो 500 स्टॉक है, या तो फिर सब स्टॉक चाहिए। उसमें हम इसको आज समझेंगे कि कैसे इजिली हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो हम इसमें जो हेल्प लेंगे वो चार्टिंग का लेंगे, जहाँ पे हमें स्क्रीनर बनाना है। तो हमें पहले यहाँ पे क्रिएट योर ओन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना है कि ये जो पहला आपका जो कंडीशन है, यहाँ पे लिखा है कि कैश स्टॉक। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे सब कैश स्टॉक नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ फ्यूचर। फ्यूचर लेने के बाद आपको यहाँ पे प्लस पे साइन करना है। मैं इसमें आके आपको बताऊंगा कि कैसे आप सेव कर सकते हो, कि क्या होता है, कई लोग को आइडिया नहीं होता है कि ये स्क्रीनर बनाने के बाद में कैसे सेव किया जा सकता है। तो बने रहना इस वीडियो पे, मैं आपको समझाऊंगा पूरा। तो यहाँ पे मुझे चाहिए कि मैं अभी पहले देख रहा हूँ ओपन इक्वल टू हाई। तो मेरा यहाँ पे लेटेस्ट ओपन हो गया, यहाँ पे मैं इक्वल कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे चाहिए हाई। बहुत ही सिंपल है, इतना हो गया। आप यहाँ पे जैसे रन करोगे आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो TCS है, तो आप क्लिक करोगे आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे जो आज का है ओपन इक्वल टू हाई है 3504। इसमें आप और भी अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसमें अगर चाहिए आपको कि वॉल्यूम चाहिए, होना चाहिए कि वॉल्यूम ग्रेटर देन नंबर्स, यहाँ पे ले लेते हैं। ये नंबर पे क्लिक करके कर देते हैं कि भाई 2 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि अभी जैसे नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ गए 10 आ गए, यानी कि इसमें से जो 12 स्टॉक में से 10 स्टॉक का जिसका वॉल्यूम यहाँ पे कम था, तो 2 का वो निकल गया, 10 रह गए। इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, जैसे प्राइस यहाँ पे VWAP के नीचे होना चाहिए, या फिर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, क्योंकि हम ओपन इक्वल टू हाई देख रहे हैं, यानी कि हम शॉर्ट स्टॉक ढूंढ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे लेटेस्ट क्लोज हो गया, यहाँ पे लेस देन ये में कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, इसमें फिर मैं रन करता हूँ। तो ये जो हमने रन किया था उसमें से और कम होके आ गए यहाँ पे, आप देखोगे तो 6 स्टॉक। तो जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट स्टॉक है जो 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, ओपन इक्वल टू हाई है, तो यहाँ पे शॉर्ट बनता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई का आपको स्क्रीनर बनाना है। दूसरी चीज क्या है कि आप यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो भी कर सकते हो, सिमिलर रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ओपन इक्वल टू लो हो गया, यहाँ पे मुझे चाहिए वॉल्यूम भी ज्यादा चाहिए, यहाँ पे मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी 50 मूविंग एवरेज से ऊपर ज्यादा होना चाहिए। इसको मैं यहाँ पे रन करूंगा तो आपको मिल जाएगा एक स्टॉक, जिसका यहाँ पे आप देखेंगे तो हिसाब से आ गया यहाँ पे आपका ओपन इक्वल टू लो, इसने काफी अच्छा सा हाई बनाया। उसमें आपको जो भी यहाँ पे ऐड करना है आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए ये EMA वाला, आप इसको यहाँ पे रिमूव कर दो। अब जाके यहाँ पे रन करो, स्टॉक बढ़ जाएंगे आपके। जैसे यहाँ पे टाइटन आ गया ओपन इक्वल टू हाई के बाद में, काफी अच्छा सा इसने मूव बनाया। तो ऐसे स्टॉक ढूंढना चाहिए, और उसको मेन चीज क्या है कि कब रन करना चाहिए बराबर। तो आप जैसे ही 15 मिनट, पहला 15 मिनट निकल गया, आप रन करके देख सकते हो कि कौन से स्टॉक है जो मेरे लिस्ट में मेरे कंडीशन के हिसाब से आते हैं, मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा। अभी जैसे यहाँ पे फ्यूचर में है तो हमारे पास कितने 4 स्टॉक है। अगर मैं इसको चेंज करके निफ्टी 50 करूंगा, मेरे पास स्टॉक बढ़ जाएंगे, आप देखोगे 11 स्टॉक हो गए। तो आपके हिसाब से देखना है आपको क्या पसंद है, और इसको सेव कैसे करना है। जैसे आप नीचे जाओगे ना, सॉरी, यहाँ पे सेव स्कैन करोगे, फिर यहाँ पे आपको नाम पूछेगा, आपको जो भी नाम देना है यहाँ पे दे देगा, डिस्क्रिप्शन देना है, फिर यहाँ पे आपका जो पैटर्न का कैटेगरी है वो लिख के यहाँ पे सबमिट करना है। प्राइवेट में क्या होता है, पैसा लगता है, हमारा फ्री अकाउंट है, तो खाली सबमिट कर दो, जिसको पसंद आएगा देखेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा नहीं देखेगा, बराबर। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ट्राई करना, आपको पसंद आएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।